हाय फ्रेंड्स माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है वीडियो वन के अंदर एस ए कॉन्फ़िगरेशन कुछ टेस्ट के माध्यम से हम पूरा सिनेरियो आज समझेंगे कुछ सीखेंगे कुछ लर्न करेंगे ठीक है दोस्तों एस ए MM का मीनिंग एमएम व्हाट इज एमएम तो एम MM का मीनिंग होता है मटेरियल मैनेजमेंट सेप एम मटेरियल मैनेजमेंट आज का टॉपिक है क्रिएट न्यू प्लांट इन एस और एसाइन प्लांट टू कंपनी कोड ओके न्यू प्लांट कौन सा होता है प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं एस ए पी के अंदर और प्लांट को कंपनी कोड के साथ कैसे लिंक करते वो हमारा वीडियो वन का टॉपिक है ठीक है दोस्तों आज का वीडियो नंबर वन है एक बार फिर से मैं बता दो क्रिएट न्यू प्लांट इन एस ए पी एंड एसाइन प्लांट टू कंपनी कोड ओके हमने एस एफआईसीओ एफ आई सी ओ का भी सीरीज हम चल रहा है ऐसे भी पी का भी सीरीज चल रहा है और अभी हमने नया सीरीज चालू किया है एम MM एम का पूरा वीडियो देखना अंत तक देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों ठीक है आज का पहला टॉपिक है डिफाइन न्यू प्लांट इन एस ए पी एम 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 के अंदर एस ए पी के अंदर न्यू प्लांट प्लांट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आज पूरा देखेंगे उसका टी कोड है ओ एक्स वन जीरो ठीक है ओ एक्स वन जीरो ओके ओ एक्स वन जीरो किया तो मैं डायरेक्ट टी कोड के माध्यम से मैंने आ गया ठीक है चेंज व्यू प्लांट्स ओवर व्यू ठीक है दोस्तों ओके अभी हम लॉन्ग पाथ थ्रू जाएगी एस पी आर ओ थ्रू एस पी आर ओ टी कोड sap आई एम जी ओके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ओके डेफिनेशन कहाँ आएगा दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट ओके मटेरियल मैनेजमेंट डेफिनेशन नो 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 मटेरियल मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा लॉजिस्टिक जनरल में आएगा और डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट ओके यहाँ पे क्लिक कीजिए सिंपल डिफाइन प्लांट पे कीजिए अगर आपको कोई कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हो सिंपल क्लिक कीजिए और कॉपी कर दीजिए अगर कॉपी नहीं करना है नया क्रिएट करना है तो न्यू एंट्री भी जाइए न्यू एंट्री प्लांट का नाम क्या रखना है प्लांट का नंबर क्या रखना है मैं यहाँ पे रखता हूँ जीरो फाइव जीरो ओके कुछ भी रख सकते हो मैं यहाँ पे रखता हूँ जीरो सिक्स वन जीरो ओके और यहाँ पे रखता हूँ टेक्निक्स टेक्निक्स टेस्ट प्लांट ओके, टेक्निक्स टेस्ट प्लांट डाला, एंटर किया, और कंट्री कोड में डाला आई एन ओके और यहाँ पे मैंने क्या किया सेव किया सेव करने के बाद पूरा डिटेल आपको भरने के लिए बोलेगा प्लांट का नेम क्या है उसका सर्च आइटम उसको कैसे ढूंढोगे आप उसका एड्रेस क्या है पी बॉक्स पोस्टर कोड कंपनी पोस्टर कोड कौन सा है हम पूरा डिटेल हम फिल करेंगे ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्निक्स टेस्ट प्लांट ओके सर्च आइटम में लिख लेंगे टेक्निक्स प्लांट ओके एड्रेस में हम कोई भी लिखेंगे टेस्ट टेस्ट पोस्टल में हम रखेंगे कोई भी टेस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट कंट्री में कोई भी लिख दीजिए इंडिया ओके कंट्री में लिखेंगे इंडिया और में हम कोई भी डाल दो मैं डालता हूँ ट्वेंटी फाइव ओके पीओ बॉक्स नंबर है तो डालिए ओके ओनली सिक्स डिजिट अलाउड पी ओ बॉक्स नंबर ओके कंपनी पोस्टर कोड कोई भी डाल सकते हो कोई भी मैं ले सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे डालता हूँ जीरो जीरो ठीक है अभी आप देखना कोई एरर आती है कि नहीं आती देखते हैं ठीक है दोस्तों ओके okay, यहाँ पे जस्ट सेव ओनली पीओ बॉक्स पोस्टल कोड और कंपनी पोस्टल कोड अलाउ ओके ओनली पीओ बॉक्स और पोस्टल कोड अलाउ कंपनी पोस्टल कोड नॉट अलाउड ओके जस्ट एंड एंडेड पोस्टल कोड टेस्ट मस्ट हैव सिक्स लेंथ पोस्टल कोड कितना होना चाहिए सिक्स लेंथ का ही है, वो तो ओके okay, यहाँ पे पोस्टर को डालना है ओके सिक्स लेंथ यहाँ पे जस्ट सेव ओके ओके डन यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा ओके अगेन डिफाइन प्लांट पे जाऊँगा हमारा नया प्लांट क्रिएट हो गया ठीक है दोस्तों जीरो सिक्स वन जीरो जीरो सिक्स वन जीरो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा प्लांट बनाया जीरो सिक्स वन जीरो ये हमने प्लांट क्रिएट कर दिया ठीक है जीरो सिक्स वन जीरो हमने प्लांट हमने बना दिया ठीक है दोस्तों प्लांट क्रिएट करने के लिए ऐसे भी मैं क्या करना पड़ता है मैंने आपको दो पाथ दिखाए वह एक पाथ था जो कोड के माध्यम से आप अंदर जाके आप कर सकते हो दूसरा पाथ है आप लॉन्ग पाथ से भी जा सकते हो एस में जा सकते हो वगैरह वगैरह फिर से मैं आपको दिखाऊंगा वही लॉन्ग पाथ ठीक है आई रिशन नो ओके बैक बैक ओके कैंसल ओके मैं बाहर निकल जाता हूँ एस पी आर ओ आई एन जी फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है यहाँ पे डेफिनेशन लॉजिस्टिक जनरल और डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट करेक्ट हमने दोनों माध्यम से सीख लिया ओके okay, हमने प्लांट तो क्रिएट करना सीख लिया एस के अंदर अभी हम देखेंगे असाइन प्लांट टू कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं ठीक है दोस्तों प्लांट तो हमने बना दिया लेकिन प्लांट को कंपनी कोड के साथ कैसे करते हैं कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना एस ए पी एफ आई सी ओ का सीरीज में फर्स्ट वीडियो है कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने पूरा वीडियो उसके लिए बनाया हुआ है ठीक है आप पूरा वीडियो हम देख सकते हो ठीक है दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ऐसाइन प्लांट टू कंपनी कोड कैसे करते हैं ओके अभी हम प्लांट के चक्र कैसे करते हैं ओके okay, अगेन चले जाते हैं सेफ रेफरेंस आएंगे एस आर के थ्रू ही जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है ओके okay, डेफिनेशन में जाना है अभी हमने डेफिनेशन में नहीं हमें असाइनमेंट में जाना है लॉजिस्टिक जनरल असाइन प्लान टू कंपनी कोड ओके इसे यहाँ पर क्लिक किया ओके न्यू एंट्री करना है कंपनी कोड कौन सा था अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा वन थाउजेंड जो वन थाउजेंड हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स जीरो वन जीरो ओके जस्ट सिंपल एंटर करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ प्लांट टेक्निक स्टेट प्लान और कंपनी नेम है टेक्निक्स ओके जस्ट सेव एंड ओके ओके यहाँ मैंने क्या किया ऐसा इन किया कंपनी कोड को प्लांट के साथ मैंने असाइन किया ऐसा भी बोल सकते हो और प्लांट को कंपनी कोड के साथ मैंने क्या किया सिंपली असाइन किया आप ये वीडियो में आप देख सकते हो ठीक है फिर से आपको पात बता देता हूँ मैं एस पी आर थ्रू एस पी आर प्रेफरेंस आई में जाना है और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है क्यों आप डिफाइन कर सकते हो कुछ ना ऐड करना चाहते हो तो आप डेफिनेशन में जा सकते हो और वही ऐड किया हुआ आपको किसी के साथ असाइन करना है तो आप नीचे वाले मेनू में जा सकते हो एसाइनमेंट लॉजिस्टिक जनरल और एसाइन प्लान टू कंपनी कोड ठीक है दोस्तों आज हमने दो सीखा हमने और उसका टी कोड कौन सा है ओ एक्स एटीन ठीक है दोस्तों क्रिएट न्यू प्लांट इन एस एप के अंदर कैसे करते हैं और दूसरा टॉपिक सीखा एसाइन प्लान टू कंपनी कोड कैसे करते हैं वो दोनों हमने आज एम MM एम के अंदर एक टेस्ट सिनारी के माध्यम से हमने आज पूरा देखा है ठीक है वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और बेल वाले आइकन पे जरूर प्रेस करना क्योंकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू